नक्शे कदम पर चलते हुए आपकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं सराय आलमगीर के लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि आपने 2018 के इलेक्शन में तरीके इंसाफ का जिस जवाब मर्जी से साथ दिया वो भी तारीख का हिस्सा बन गया है। 2018 में तो अल्लाह के फजलो करम से पूरे पाकिस्तान में एक सियासत ने नई करवट ली और वो जो सियासी तजिया निगार थे जो कहते थे कि पाकिस्तान में एक टू पार्टी सिस्टम है और ये दोनों टू पार्टी सिस्टम इतना इंट्रेंच्ड है, उनकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि तहरीके इंसाफ को और इमरान खान को जगह नहीं मिलेगी। लेकिन सारे आलमगीर के लोगों, दुनिया ने देखा कि इमरान खान ने अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपने नजरिए और इस बेलॉस नजरियाती कारकुन के बल बोते पर अपनी जगह बनाई। बनाई कि नहीं बनाई? बनाई ना, और इतनी बनाई, इतनी बनाई कि जिनकी दुकान बनी हुई थी वो उजड़ गई। और आज पाकिस्तान के हर सियासी शौर रखने वाले सियासी कारकुन की बताओ पहली तरजीह क्या है? क्या है? लगता हरी दोनों को पढ़ाना पड़ेगा। बताओ आज पहली सियासी जमाते हैं ना, पीपल्स पार्टी जमात थी, आज है सराय आलमगीर में। एक जमाने में पीपल्स पार्टी थी लाला मूसा में, पीपल्स पार्टी थी आज है, खारिया में पीपल्स पार्टी थी आज है, सराय आलमगीर में पीपल्स पार्टी थी आज है। अच्छा कहते थे कि जीटी रोड पर तो राज करता है शेर का दिखाई, अब शेर है दिखाई दे रहा है, तो लगता है कि इमरान खान के बल्ले ने शेर को ढेर कर दिया है। और आने वाले इंतखाबात में जब भी होंगे इंशाल्लाह, हमारा तो ख्याल जल्दी हो जाएंगे, और अगर हो गए, और अगर हो गए, और जो इमरान खान की ख्वाहिश है कि आवाम को फैसला करने दीजिए, क्योंकि हम कहते हैं, हमारा सियासी फलसफा कहता है कि ताकत का सब चश्मा आवाम है, आवाम को फैसला करने दे, वो किस पर इतमाद करते हैं, आवाम को फैसला करने दे किस पर भरोसा है, आवाम को फैसला करने दे किसके मंशूर में अट्रैक्शन है, आवाम को फैसला करने दे वो किस नजरिए के साथ अपने आप को मुंसलिक करना चाहते हैं। और आज कांपे किसकी टांग रही है? तरीके साहब तो मैदान में है, तुमने हुकूमत छीनी, हमारा हौसला। अच्छा लहरों निकले तो मुख्तलिफ शहर तो होंगे हुए सराय आलमगीर पहुंचे हैं, मैनू तो कितने शेर क्या गिदड़ भी नजर नहीं आया। हर पासे उत्ते देखा कि अल्लाह अल्लाह की कुदरत के थले देखा, बल्ला से बल्ले का कारकुन नजर आया। यह है तब्दीली, वो कहते ने तब्दीली, और तब्दीली किवें आती है? पहले तब्दीली जेन में आती है, जेल जेन बदलता है इरादे बदलते ने, जेले इरादे बदलते ने फैसले बदलते ने, तो जेले कौम फैसला बदलती है तो कौमां की तकदीर बदल जाती है। ये दसो अगर इमरान खान ने
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 26 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ ਥੱਕਿਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਿਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਥੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਨਾ ਦੇ ਦੇਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਦੇਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ ਥੱਕੇ ਹੋ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਅੱਕ ਗਏ ਹੋ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਅੱਕ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੁਕਾਲਮਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਵਕਤ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹਕੀਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਆਏ ਦਾਵਤ ਦੇਣ ਆਏ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲਾ ਤੇ ਪਿੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਜਾਓ ਜਾਓ ਪੁੱਛੋ ਸਰਾਏ ਆਲਮਗੀਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿਆਦਤ ਕੇ ਆਵਾਮੀ ਫੈਸਲੇ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਹੈ ਨਏ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਕੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾ ਦਿਫਾਅ